क्या आपने मैजिक शोज में अचानक से आई मिस्टिकल फॉग देखी है? वेल, ये अचानक से अपीयर नहीं हुई है। क्या आपको पता है कि ये फॉग क्या है? ये कुछ नहीं, सिर्फ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे ड्राई आइस भी कहा जाता है, जो कंटिन्यूसली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसे सब्लिमेशन कहते हैं। चलो रिकॉल करते हैं कि सब्लिमेशन क्या है। सब्लिमेशन वो केमिकल प्रोसेस है जिसमें सॉलिड बिना लिक्विड स्टेट में जाए गैस में बदल जाता है। ड्राई आइस की तरह ही कैम्फर टैबलेट्स भी जलाने पे सब्लाइम होती है। कैम्फर वो सॉलिड सब्सटेंस है जिसे हीट करने से डायरेक्टली वेपर बनता है। इस प्रोसेस को दो या ज्यादा सॉलिड्स को सेपरेट करने की टेक्निक की तरह भी यूज किया जा सकता है। इस टेक्निक के पीछे का प्रिंसिपल है, उस मिक्सचर से जिसमें एक सब्लिमेबल और एक नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस हो, उसमें से एक सॉलिड को वेपर में सब्लाइम या कन्वर्ट करना होता है। ये वो कंपाउंड्स की लिस्ट है जो सब्लाइम होते हैं। लिस्ट में से एग्जांपल लेते हैं इस टेक्निक को इलैबोरेटली समझने के लिए। यहाँ हमारे पास आयोडीन इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इस मिक्सचर का मेजर कॉम्पोनेंट आयोडीन है। लेकिन इसमें काफी सॉलिड इम्प्योरिटीज भी हैं। कुछ इम्प्योरिटीज तो शायद विजिबल भी ना हो, क्योंकि उनका और आयोडीन का कलर और टेक्सचर सेम है। अब हम इस सेटअप का इस्तेमाल मिक्सचर से सब्लिमेबल आयोडीन को सेपरेट करने में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इम्प्योर मिक्सचर को क्रश कर लेते हैं और बीकर में ऐड करते हैं। एक आइस वाटर से भरे बोल को रखते हैं जो मिक्सचर के कॉन्टेक्ट में ना हो। अब इम्प्योर आयोडीन सैंपल को वार्म करें और देखें बीकर के अंदर क्या होता है। हीट की वजह से आयोडीन डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि दूसरे कंपोनेंट सॉलिड स्टेट में रहते हैं। जैसे सब्लिमेशन प्रोसीड करता है, आयोडीन वेपर्स फ्लास्क के बॉटम को टच करता है जिसमें आइस है, और वहां इमीडिएटली डिपॉजिट हो जाता है। आप फ्लास्क के बॉटम में क्लियरली आयोडीन के क्रिस्टल्स देख सकते हैं। जब सारा आयोडीन डिपॉजिट होता है, फ्लास्क को केयरफुली उठाया जाता है और आयोडीन को स्क्रैच आउट किया जाता है। इस तरीके से हम इम्प्योर मिक्सचर से प्योर आयोडीन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये टेक्निक उन मिक्सचर पे भी यूज किया जा सकता है जिनमें एटलीस्ट एक सब्लिमेबल सब्सटेंस हो। इस टेक्निक का मेन एडवांटेज है कि ये फास्ट और एफिशिएंट है। फास्ट इसलिए क्योंकि सब्लिमेबल सब्सटेंस को जल्दी से सेपरेट किया जा सकता है, और एफिशिएंट इसलिए क्योंकि पाई गई सब्लिमेट की क्वांटिटी हाई होती है। सबसे मेजर डिसएडवांटेज है सब्लिमेबल कॉम्पोनेंट का लॉस, क्योंकि वेपर्स एस्केप हो सकते हैं, जिसके कारण प्योर सब्सटेंस की इनकम्प्लीट रिकवरी होती है। एक और डिसएडवांटेज है, कभी कभी हीट की वजह से नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंसेस डिकम्पोज हो सकते हैं, जिसके कारण अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस होते हैं। इन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के अलावा सब्लिमेशन का एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। कभी सोचा है आपकी टी शर्ट्स पे वो फंकी प्रिंट्स कैसे आते हैं? जो इंक प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है वो सब्लिमेबल होता है। जब ये ठंडा होता है, ये आपकी टी शर्ट्स, बॉटल्स और दूसरी चीजों पे डिपॉजिट हो जाता है एक वंडरफुल पैटर्न में। अब जल्दी से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। सब्लिमेशन को दो या ज्यादा सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए एक सेपरेशन टेक्निक की तरह यूज किया जाता है। सेपरेशन के पीछे का मेन प्रिंसिपल है मिक्सचर में एटलीस्ट एक कॉम्पोनेंट का सब्लाइम होना। इस प्रोसेस में मिक्सचर को हीट और सब्सिक्वेंटली कूल करना होता है, ताकि सब्लिमेबल कॉम्पोनेंट रिकवर हो सके। सब्लिमेशन एज अ सेपरेशन टेक्निक के एडवांटेजेस हैं। ये फास्ट है क्योंकि सब्लिमेशन और डिपॉजिशन काफी जल्दी हो जाते हैं। ये एफिशिएंट है क्योंकि सब्लिमेट हाई क्वांटिटी में मिलता है। इस टेक्निक के डिसएडवांटेजेस हैं, इसमें लॉस ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है। इसे नॉन सब्लिमेबल कॉम्पोनेंट ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जो कि केमिकल चेंज का कारण होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू सून।